Squid Game. It's a full-time job. Yes. And so in the Orry room, we are now planning my demise. Orry भाई, तुम्हें demise और comeback की जरूरत नहीं है. तुम्हें जरूरत है एक सामुदायिक कुटाई की. तब जाकर तुम्हारा दिमाग आकर ठिकाने पे है. So guys, इस हफ्ते हुई काफी ज्यादा crazy चीजें, उन सब के बारे में हम बात करेंगे. राम मंदिर का इनोग्रेशन हुआ है भाई, क्या खुशी मनाई जा रही है देश में. Also, Orry गया था करण जौहर के शो के अंदर, वहाँ पे उनने बहुत उल्टी सीधी बातें बोली. I'm cheating, I'm a cheater. Orry is a cheater. Yeah. जिन्हें देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही थी, कंटेंट मिल गया ना मुझे, इसलिए स्टूडियो पे भी रिएक्टर रोस्ट करेंगे. Okay. एंड एक यूट्यूबर एंड इंस्टाग्रामर्स की टीम है TRT करके, वो लोग गए भाई एक कॉलेज के अंदर, उन्हें इन्वाइट किया गया बढ़िया, और वहाँ जाके भाई उन्होंने बदतमीजी कर दी स्टेज पे चढ़ के. मतलब उल्टी सीधी बातें बोल दी थोड़ी सी, जिसे सुनने के बाद लोग कह रहे हैं इन पे केस करो. वो कंट्रोवर्सी भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया मिर्जा एंड सोहेब मलिक के बारे में. So, इन दोनों का भी डिवोर्स हो गया है, जो पता लगा लोगों को सोहेब अख्तर की तीसरी शादी होने के बाद. यस, तीसरी शादी. सानिया मिर्जा एंड सोहेब की शादी हुई थी 2010 में, तभी ये इनकी दूसरी शादी थी. पहली वाली से इन्होंने तभी डिवोर्स लिया था, रिसेंट की ताजा. सो 2010 से अब 2024 में फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई है. सोहेब भाई ने ले लिया फिर से डिवोर्स तीसरी शादी करने के लिए. नहीं सॉरी, सानिया मिर्जा ने लिया है डिवोर्स, ऐसा कहना है सोहेब अख्तर से इस बार, क्योंकि वो खुश नहीं थी कि कोई और बीबी भी आए घर में. सानिया मिर्जा जो है टेनिस प्लेयर है, जो सोहेब मलिक वो पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर हैं. तो मलिक साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इतनी तो आपने अपनी जिंदगी में इनिंग्स नहीं खेली है, जितना आपने अपनी बीवियों के भविष्य के साथ खेल दी है. सानिया जी, तुम बढ़िया प्लेयर हो टेनिस के, लेकिन असली खिलाड़ी तुम्हारा पति है, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ टेनिस आता, इसे तो पता नहीं कौन कौन से गेम आते. सानिया जी, मैं हूँ तुमसे खफा बहुत ज्यादा. तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए था, तुम्हें लेनी चाहिए थी टिप ब्लॉगिंग चैनल खोलने की. किससे? अरमान मलिक से. उसके बाद बनाने थे व्लॉग, दोनों बीवियों को मिलकर. दे व्लॉग पे व्लॉग, दे व्यूज, दे पैसे पैसे. ट्रेंडिंग सेक्शन भरा पड़ा तुमसे ही, खूब तगड़ा एड रेवेन्यू आ रहा, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा इसकी बहन का, अलग ही बोझ हो जाती. लेकिन तुमने क्या करा, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लगी. जोक्स अपार्ट गाइस, जिसका जो मन भाई उसने वो कर लिया. आगे बढ़ते हैं. डिवोर्स हो गया है, सही है. अबे साले, मतलब सही नहीं है. तुम समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा. नहीं ठीक है. कितने लोने हैं यार, अबे क्या बात है आमिर भाई, आमिर भाई ये लाल वाली मेरी, ये तेरी भाभी है. तो TRT टीम भाई ये यूपी के हैं, मुरादाबाद के, मेरे पास के ही. वीडियोस बढ़िया बनाते हैं, लेकिन इतनी भी बढ़िया नहीं बनाते कि तुमने स्टेज पे चढ़ा दो ले जाके. और इन्हें लिख के ना तो इन्हें बोलना क्या है भाई, इन्होंने तो वही कर दिया ना वहाँ जाके भी, जो ये सोशल मीडिया पे करते हैं. तो इनकी क्या गलती इसमें, कॉलेज वालों की गलती. बट इनके लोगों को बुलाओ भाई, जिन्हें बोलने का तमीज हो. तो आमिर भाई ये काली वाली ये तेरी भाभी टू है यार. कॉलेज के प्रोफेसर वगैरह उधर बैठ के सोच रहे हैं, साला इतने टाइम से हम तमीज सिखा रहे हैं बच्चों को कि लड़कियों से किस तरह से बात करनी है, लेकिन इन चार लौंडों ने आगे मुद्दा दिया सब चीज पे. अबे तूने पैसे नहीं दिए तो यहाँ कैसे आने दिया, उसने तुझे छोड़ कैसे दिया. वो मैंने उससे कह दिया मेरे पास पैसे ना है, कोने में को ले गया मुझे और 100 का नोट और दे दिया. भाई कॉलेज के अंदर आयो, टीचर है जरा यहाँ, नहीं तो इतने बुरे चुटकुले मारने पे ना बच्चे उठ उठ के टमाटर फेंक के मारते तुम पे. जूते भी तुम्हारा चैनल तुमसे अनसब्सक्राइब करवा देते पकड़ के. अनपढ़ किसे कह रही है, लंबाई देख ले मेरी, लंबाई देख के तुझे पता चल गया होगा कितना ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ. इस हिसाब से तो ये तमाम लंबा, ये तो डॉक्टर होगा. लिंग की लंबाई बता रहे हैं, बतावा स्टेज पे जाके. अरे कुछ और बात कर लेते भाई, बोखला गए इतनी सारी लड़कियां देखने के बाद. आज तक इन्होंने लड़कियां सिर्फ इंस्टाग्राम पे देखी, ऐसा लग रहा है इन्हें देख के. कंट्रोल भाई कंट्रोल. अबे भाई फेमस हो गया, थोड़ा तमीज भी सीखो यार, कहाँ क्या जाके बोलना है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ओरी भाई. ओरी गया था रिसेंट अभी करण जौहर के शो पर, वहाँ जाकर उसने भाई इस कदर बकचोदी का धनिया बोया है ना कि भाई उस पर तो नजर डालनी ही पड़ेगी. कुछ भी कह रहा भाई, कह रहा आई एम अ चीटर, आई हैव 5, यू आर डेटिंग 5 पीपल, आई एम चीटिंग, आई एम अ चीटर, ओरी इज अ चीटर, यू आर अ लिवर एंड नाउ यू आर अ चीटर, ये. अबे मुझे ये तो बता, वो 5 है कौन, लड़का है लड़की है, ये तो क्लियर कर देता. भाई लीवर या चीटर का तो नहीं पता, लेकिन अगर सही में 5 लोगों को डेट कर रहा तो इनने 5 लोगों की जिंदगी के चिथड़े जरूर उड़ा रखे हैं. The outfit was made by an underground designer called Nikhil Cole. Underground वो पहले नहीं था, यह आउटफिट बनाने के बाद होना पड़ा है उसे. और ओरी तेरी तो डील हुई थी उसके साथ कि उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पैसे मत लिए. अब यहाँ क्यों उसका नाम डिस्क्लोज कर दिया, उस बेचारे का क्यों करियर खा दिया तूने. स्वीट बॉय फ्रॉम औरंगाबाद कॉल्ड सिद्धांत जुम्बे. भाई ये कन्वर्सेशन देख के तो ऐसा लग रहा है करण जौहर से बात कर रहा है. एक ने अपने सिर में मारकर डाल रखा है और दूसरे ने अपनी गेंद में. वेलकम टू ओरी लैंड. भाई ये ए क्यों यू होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इसे देख के तो सब लंडी कहते हैं। अगर कोई ऐसा एम्यूजमेंट पार्क खुलने लगा ना ऑरी लैंड नाम से, तो भाई बच्चे उसके अंदर जाने से डरेंगे और टिकट उसके अंदर जाने का नहीं, बाहर आने का लेना पड़ेगा। The brightest stars burn out the fastest, and so right now in the relevance room we are planning my downfall. In the relevance room in the अरे भाई छाती काहे दिखा रही यार, तेरी चिकनी छाती देखने के लिए नहीं देख रहा हूँ मैं ये एपिसोड। भाई बनियान पहन किया जाता है 1 रुपए का यार। जिस इंसान के सामने बैठ के तू ये इंटरव्यू दे रहा ना, उसका ईमान डोलने में 5 मिनट नहीं लगते, उसके खातिर तो एक बनियान पहना था कम से कम। ओरी तुझे शर्म नहीं है, तूने नाम डुबा रखा अपने डिजाइनर का भी। In my office we have a room called the relevance room where all my minions and they have to dress up as me and think as me and talk like me. Sorry, did you? I'm sorry. Did you call them minions? Yes, my minions. Yes. Minions नहीं यार ओरी भाई, उन्हें minions नहीं कहना है, उन्हें game do कहना है तुम्हें। Start करो। भाई बहुत चालू इंसान है वो, अपने मीम बनवा के अपनी PR करवा के ना सेलिब्रिटी बना बैठा है फेक वाला। To be a minion, you have to be an Orry. You have to think like me, dress like me, work like me, struggle like me. Also bakchudi like me. If you can't do bakchudi like me, then you are no Orry. भैया ओरी की तो खतरनाक bakchudi हो रही। चल। We have blackboards and chalkboards and those whiteboards with those weird things that if you smell you get like a headache and. Headache हमें हो रहा तेरी बातें सुन सुन के यार ओरी, चुप जा भाई please यार please। ऊपर का बनियान गिफ्ट कर दूंगा तुझे, लेक्स कोजी की चड्डी कर दूंगा, sorry पैंटी। Squid Game. It's a full-time job, yes. And so in the Orry room we are now planning my demise. Orry भाई तुम्हें demise और comeback की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एक सामुदायिक कुटाई की, तब जाके तुम्हारा दिमाग आगा ठिकाने पे है। In a movie, every lead actor goes up and then they have to have a fall and then they have a comeback. So my fall is coming. भाई मुझसे ना झेले जा रही और बकैती। मूवी की बात कर रहा, अगर बाई चांस ओरी की मूवी बन भी गई ना, तो वो पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें हीरो के मूवी में मरने पे, देख भाई लाइट भी भाग गई तेरी बात सुन सुन के, वो पहली ऐसी मूवी होगी जिसमें हीरो के मरने पे ना ऑडियंस खुश होगी। अगर क्यों, अगर बाई चांस ऐसा कुछ मूवी बन रही है उसके अंदर ओरी हीरो होगा, तो विलन कैसे कैसे होंगे, ओरी से भी नाजुक कोरिया से बुलाएंगे विलन। भाई कोरिया से आता है, मेरा कोरिया वाला वीडियो वापस आ गया था, उसमें स्ट्राइक मार दिया था एक लड़की ने, कोरिया की इंटरनेशनल लफड़े चल रहे तुम्हारे भाई के। भाई बाद में तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने कही यार कि भाई जाओ जरा स्टोरी डाल के कि इसको बोलो जरा कमेंट सेक्शन में जाके स्ट्राइक हटाए, तो भाई उस लड़की ने हटाई नहीं, तो भाई उनने स्ट्राइक ठोक दी बिन बात, बिना परमिशन मेरा चेहरा ले दिया थोड़ी सी वीडियो में, पर मैंने वो ब्लर किया आप वाली वीडियो में, तुम देख सकते जाके अगर तुमने नहीं देखा अभी तक। आई एम रियल, पिंच मी, इट्स ट्रू। And I can't actually be everywhere, so we do have the lookalikes. हाँ भाई, ये युवराज देश का प्रधानमंत्री जिसके 4-5 लुकलाइक घूम रहे हैं, well हो सकते हैं, क्योंकि लुकलाइक रखने इसकी मजबूरी है, क्योंकि लोग इसे पीटने को जो ढूंढते रहते हैं। For the first 20 minutes until I actually get from Nariman Point to BKC, and then from BKC to Bandra, and then from Bandra to. भाई मुझे नहीं देख रहा और मैं कहती भाई मैं कुछ उल्टा सीधा कह दूंगा, फिर मुझ पर स्ट्राइक आ जाएगी, फिर मैं रोने बैठूंगा मेरी ऑडियंस के सामने। सो नो यस ओहो आंटी खड़ी क्यों है, आई विल ऑन बेल। आप लोग बैठिए, चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भाई अपने होठ क्यों रगड़ रहे, वो लिप इन्फेक्शन चल गया क्या? वैसे होठ तो मेरे ही फट रहे, मुझे भी रगड़ने चाहिए। इन्हें चश्मा पहन लिया, ओके रचना आ गई, रचना ले भाई। अबे अपने रिलेटिव के घर के अंदर आया या फिर गलती से जीबी रोड के अंदर घुस गया। ऐसी जिंदगी चाहिए सोहेब अख्तर को। भाई पेड़ भी गिर गया, ये घर में घुसा औरतें 4-5 एक इधर चारों की चारों सेड्यूस करने में लगी हुई है उसे, इसकी बहन का अलग ही मजा आ रहा है, सुबह शाम मौज ही मौज। अब तुम पूछ रहे हो धीरू भाई ये पन्नी का हटाओगे चेयर पे से, अभी नहीं हटाऊंगा। 6 मिलियन पे जो बोल रहे हो आपके कान में जा रहा है, नहीं ये थोड़े ज्यादा हो गए, 5 मिलियन पे प्लीज सब्सक्राइब। शादी है शादी, सोहेब अख्तर अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा है दोस्तों, तीसरी वाली। भाई टाई के नाम पे टेल्स पहन आया है, जमीन सा उखाड़ गया। शादी है शादी, हाँ भाई शादी है शादी, लेकिन ये बेटर लोग की यूनिफॉर्म काली से लाल कब से हो गई? चलो अच्छा है भाई यार, चेंज होता रहना चाहिए सिस्टम। सॉरी। सो अभी हम बात करेंगे पिछले हफ्ते ही कुछ न्यूज के बारे में। इंडिगो की एक फ्लाइट हो गई भाई डिले 13 घंटे, और जितने भी यात्री जन थे वो सारे के सारे बैठे रहे अंदर ही 13 घंटे तक प्लेन के। उनका हो गया दिमाग खराब, उनमें से एक ने उठ के भाई पायलट के थप्पड़ लग गया। जब वो बाहर को आया कि अब प्लेन उड़ने वाला, वो अनाउंसमेंट कर रहा था, उनने थप्पड़ मार दिया आके। नहीं भाई वायलेंस करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें प्लेन नहीं उड़ाना है तो दरवाजा तो खोल दो इसका। भाई ये 13 घंटे रुक कैसे गया? थप्पड़ मारने से बंद प्लेन था ना। अबे मैं 1 घंटे ज्यादा नहीं बैठ पाता भाई, या तो पायलट पिट रहा होता या फिर प्लेन के शीशे टूटा हुआ होता, मैं बाहर कूद के निकल गया होता अब तक। उस बाद में जब इसको पुलिस पकड़ के लेके गई इस इंसान को, तो इसने कहा कि जी मेरा हनीमून था, मैं बहुत ज्यादा वो हो गया था अंदर से, फ्रस्ट्रेटेड। भाई होना भी चाहिए था यार, हल होंडा पूरी प्लानिंग के साथ बैठा हुआ कि भाई इस टाइम पे इधर, इस टाइम पे इधर, ये चीज करेंगे वो चीज करेंगे, उस पर तुम पानी फेर रहे हो डिले करके। होना बनता है। लेकिन जो फ्लाइट डिले हुई थी वो हुई थी कोहरे की वजह से, और जब इतनी ठंड है तो तुझे कहीं और जाने की जरूरत क्यों पड़ रही है हनीमून मनाने के लिए? है भाई घर बेस्ट है, घर में बिस्तर पकड़ और बस आगे बढ़ते भाई। वन मोर थिंग, पिछले हफ्ते तुमने देखा होगा मालदीव्स एंड ये इंडिया का कितना बड़ा लफड़ा चल रहा था, जिसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था। मैंने बनाया था पिछली वीडियो के लिए, बट मैंने वो वीडियो में डाला नहीं था। तुम अभी देखो, जोक्स बहुत खतरनाक है, मुझे मन नहीं कर रहा उसे स्क्रैप करने का। मालदीव्स वर्सेस इंडिया तुमने अभी सुना ही होगा, पीछे बहुत ज्यादा चला है। तो इस सबके चलते जो है ना, काफी सारे लोगों ने अपनी मालदीव्स की जो भी ट्रिप थी वो कैंसिल कर दी थी, और उन्होंने बहुत अच्छा किया था। आगे भी तुम्हें ऐसे ही करना है। शाबाश बेटा। सो इसके बाद जितने भी वहाँ के होटल वगैरह वाले थे भाई, सब परेशान है, पानी में बार बार डुबकी मार रहा है। जो क्यों? अपने आंसू छुपाने के लिए। पहले तो अपने लोगों को संभाला नहीं तुमने, उल्टा सीधा बोल रहा है वो, इंडिया आउट के नारे लगवा रहे हो अपने देश के अंदर, हमारा ही पैसा खा के हमी को उंगली दिखा रहे हो। हेलो वेल गाइस, फिलहाल तो मालदीव्स के पास ना सिर्फ और सिर्फ डीव्स करने के लिए जगह है, क्योंकि माल तो बॉलीवुड से जा नहीं रहा है। स्टोरी डाल ले भाई, ये क्लीशी सा हो गया, सॉरी माल नहीं कहेंगे यार। नेक्स्ट जोक भाई, मोदी जी जो है ना एकदम खतरनाक लौंडे हो रहे हैं भाई। जिस तरह से तुमने देखा होगा तुम्हारे ग्रुप के अंदर एक हरामी लड़का गोवा का ट्रिप कैंसिल नहीं कर देता है, इसी तरीके से मोदी जी ने भाई एक बार लक्षद्वीप की फोटोज डाल के पूरा का पूरा देश कैंसिल कर दिया है। मालदीव्स वाले परेशान हो गए। देखो ज्यादा डिटेल में तुम्हें ऑलरेडी चीजें पता होगा क्या क्यों कैसे हुआ है, फटाफट बता दूं। भाई मोदी जी गए लक्षद्वीप, वहाँ उन्होंने डाली फोटो, वो फोटो देखने के बाद मालदीव वालों की जल गई कि भाई हमारे यहाँ आओ, ये हमारा अल्टरनेटिव क्यों खड़ा कर रहे हैं अपने देश में। तो उसके बाद वहाँ के जितने पॉलिटिशियन वगैरह तो और भी बड़े बड़े लोग, तो उन्होंने गाली बक दी सीधे मोदी जी को। इनकी बट्टी साल होगी, ये देख रहे तुम कहाँ से आ रहा है इनके दरिद्र कूदा। मैं बताता हूँ कहाँ से आ रहा है, चाइना से। चाइना वाले कर रहे हैं ना सपोर्ट। और अभी ये सारा सीन जब से हुआ है ना कि फ्लाइट बहुत सारी कैंसिल हो गई है, अब उनकी ये डिमांड है कि इंडिया की आर्मी वहाँ से हटाओ। मतलब वहाँ पे ना इंडिया की कुछ आर्मी है जो इनके देश को प्रोटेक्ट करती है। अब इनका ये कहना तुम ले जाओ चाइना, हमारा नया भैया बना चाइना, ये बचाएगा हमारा देश। हम अभी इंडिया के अंदर तो ऑलरेडी लक्षद्वीप है, लेकिन ये चाइना वाले जो है ना सबसे पहले तुम्हारा देश खा के उसे बेच के उसकी कॉपियां बना के बेचेंगे। iPhone 15 के साइड में रख रखा है। हेलो मालदीव बना इस जो भाई, ये मालदीव्स के लोगों ने ना इंडिया के अगेंस्ट बोलने से पहले 2 बार भी नहीं सोचा। अगर ये सोचते तो इनके दिमाग में आ जाता कि ये कहाँ है और इंडिया कहाँ है। अब एक बड़े से घर के आगे एक छोटा सा डोरमेट नहीं रखते, वो हो तुम, और बड़ा घर है इंडिया। तो ठीक है गाइस, वीडियो खत्म करते। अगर तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना मेरा। ये पन्नी तभी हटेगी जब 5 मिलियन हो जाएंगे। अब भाई ये पहले हिलन लगी यार, इतनी महंगी चेयर ली है। मैं बहुत ही जानवर इंसान हूँ, मैं चेयर तोड़ता रहता हूँ अपनी। मुझे लग रहा है पन्नी निकलने से पहले टूट जाएगी। जल्दी सब्सक्राइब करो, चलो बाय।